हेलो गाइस, मैं हूं जीत सलाल और मैं एक स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूं फिटनेस ऑस्ट्रेलिया से, और मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरे वर्कआउट प्रोग्राम्स क्या हैं, मेरे मील प्लान्स क्या हैं, मेरे डाइट प्रोग्राम्स क्या हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मेरे वर्कआउट प्रोग्राम्स और डाइट प्रोग्राम्स को समझने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ जो फाउंडेशन है फिटनेस की, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू कर रहा हूँ, जो मेरा पहला वीडियो आया है देसी फिटनेस इश्यूज, और जो सेकंड वीडियो मैंने स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स के बारे में बात की, तो इस तरह की कुछ बेसिक जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों की पहले क्लियर होनी चाहिए। तो तब जाके आप किसी भी डाइट प्लान या किसी भी वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरह से। जब तक आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कैसे किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एलजेब्रा सीखने के लिए आपको पहले सब्स्ट्रैक्शन एडिशन सीखना पड़ा था ना, पहले बेसिक्स, वही वाली बात। तो पहले सीधे ही दसवें माले में छलांग नहीं मारनी है, बिल्डिंग में चढ़ने के लिए सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं, ना कि पैराशूट से ऊपर बिल्डिंग में जंप मारते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी जो लोग चाह रहे हैं कि मैं कुछ अपने मील प्लान्स या अपने वर्कआउट प्रोग्राम्स उनके लिए लेके आऊँ, तो ख़ासकर आप लोगों के लिए मैं अपना एक मैंने ब्रेकफास्ट मील प्लान किया है, जो खासकर उनके लिए, जो हमारी माएँ हैं, जो जिनके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि आई वांट हेल्प मॉम्स अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाने के लिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो उनके लिए मैं एक ब्रेकफास्ट मील लेके आया हूँ, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट होता है वो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। दूसरी बात मैं एक और करना चाहूँगा कि मैंने मल्टीविटामिन्स की बात करी थी, और मल्टीविटामिन्स ब्रेकफास्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और आपको जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, जो दिन भर आपको विटामिन्स, जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो आपको ब्रेकफास्ट के साथ मल्टीविटामिन आपकी उस ज़रूरत को पूरा करता है। यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीविटामिन का पैक है, और ये बहुत ही सस्ता है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि पर्सनली मैं मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स बहुत आते हैं, जो एक्चुअली ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स बहुत आते हैं, जो थोड़े से महंगे होते हैं, मगर ये जो मल्टीविटामिन का पैक है, ये नॉर्मल लोगों के लिए, जो एथलीट्स नहीं है, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो नॉर्मल, जिनका एक्टिविटी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, उनके लिए है ये। मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि मल्टीविटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो जाती है इससे, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फेमस ब्रांड्स के मल्टीविटामिन लेना, एनिमल या कुछ भी, इसकी डबल कॉस्ट का आएगा। हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इस मल्टीविटामिन के पैक में जब आप न्यूट्रिशन इसका लेबल चेक करें पीछे, तो इसमें कुछ विटामिन्स ज़रूर होने चाहिए, और उनकी जो रिक्वायर्ड जो डोज होगी वो आप चेक करें कि कितनी डोज है उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके विजन में प्रॉब्लम होती है, आपकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप उसकी डोज देखिए कितनी है। बीटा कैरोटीन 1.2 मिलीग्राम, अगर आप इसकी एक गोली रोज़ देंगे तो आपकी जो डेफिशिएंसी है उसकी, वो कवर हो जाएगी विटामिन ए की। विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन, विटामिन B2, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये बहुत सारे, बहुत जो ये इंपॉर्टेंट आपके जो विटामिन हैं, ये सिर्फ एक गोली में, सिर्फ एक डब्बे में आपके सारे काम हो जा रहे हैं। तो क्यों ना आप इसको ऐड करें, ये तो गिफ्ट है भगवान की तरफ से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट में अगर आप इस चीज़ को ऐड करेंगे, तो आपका वो कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट मील, जो दिन में 3 मील कंज्यूम करते हैं उनका वो ब्रेकफास्ट होगा, और जो 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 मील कंज्यूम करते हैं उनका मील 1 होगा। तो मेरा ये मील 1 है, और जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन आप लोगों के सामने लेके आऊँ, मैं जो एक्सरसाइज रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ वो है पुल पुश लेग्स। तो मैं अपना जो वीक है वो स्टार्ट करता हूँ पुल एक्सरसाइजेस से, उसके बाद मैं करता हूँ पुश एक्सरसाइज, देन लेग्स, देन कंटिन्यू करता हूँ पुश एंड देन आर्म्स। अब आप लोग ये डिसाइड करिए कि मैं आप लोगों के लिए कौन सा वर्कआउट रीजिम लेके आऊँ, कौन से दिन का लेके आऊँ। अगर आपको पुल एक्सरसाइजेस देखनी है तो मैं आप लोगों को पुल एक्सरसाइज का वर्कआउट बना के आपको दिखाऊंगा। अगर आपको पुश एक्सरसाइज लाइक चेस्ट, शोल्डर्स देखनी है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें, मेरे YouTube वीडियो में कमेंट करें, मेरे Facebook पे कमेंट करें, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए कि आप लोग किस कौन से दिन का वर्कआउट देखने में इंटरेस्टेड हैं। सिर्फ ये गैप को फिल करने के लिए कि आप बोर ना हो जाएं मेरी बातों को सुन के, जो मैं अपने
वीडियोस में कर रहा हूँ, अपने जो मेरे पार्ट्स जो चल रहे हैं उनमें जो मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही दो पार्ट्स और आने वाले हैं। अभी तक दो पार्ट्स रिलीज हुए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। इसके बाद पार्ट थ्री और पार्ट फोर आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात कर रहा हूँ, जो है हमारी देसी बॉडी बिल्डिंग इश्यूज, जो हमारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री है इंडिया में और सप्लीमेंट मार्केट है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी मील प्लान या किसी भी वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो जो लोग मेरा एक दिन का वर्कआउट प्रोग्राम देखना चाहते हैं, चाहे वो पुश हो, चाहे वो पुल एक्सरसाइज हो, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो आर्म्स हो, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए थ्रू कमेंट्स। आप कमेंट करिए कि भाई आपको क्या देखना है, तो मैं ब्रेकफास्ट मील के साथ, ब्रेकफास्ट डाइट के साथ, ब्रेकफास्ट मील के साथ आप लोगों के लिए मैं एक दिन का अपना एक्सरसाइज रूटीन लेके आऊँगा। और ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मेरे वेट और मेरी बॉडी टाइप और मेरे एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट वो फॉलो करने की कोशिश ना करें, अपने एक्टिविटी लेवल और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कैसे चेंजेस कहाँ कहाँ पर करने हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप मेरा जो वर्कआउट रूटीन है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अगर मेरी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सके या आपकी लाइफ बेटर हो सके, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं अपना काम यूँ ही करता रहूँगा और आप लोग भी अपना काम यूँ ही करते रहिए। और स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जीत सलाम, साइनिंग ऑफ।